उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त करने वाले आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह की यूपी से विदाई की घड़ी नजदीक आ गई है, जिस कलेक्टर ने एक जमाने में आजम खान की संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था, जिसने आजम खान पर ताबड़तोड़ मुकदमे कराए थे और जिसने आजम खान के पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, अब उससे उत्तर प्रदेश से विदा होना पड़ रहा है। रामपुर जिले के कलेक्टर रहे आंजनेय सिंह फिलहाल मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। अब आंजनेय कुमार सिंह को 2 महीने की ट्रांसफर लीव पर भेज दिया गया है। आंजनेय सिंह छुट्टी से लौटने के बाद अपने कोर कैडर सिक्किम को ज्वाइन करेंगे और उत्तर प्रदेश से उनकी विदाई हो जाएगी। 2005 बैच के आईएएस अफसर आंजनेय सिंह बीते कुछ वक्त से काफी चर्चाओं में थे। उनका नाम रामपुर के कलेक्टर के रूप में 2019 में आया था, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके आजम खान की पूरी राजनीति को ध्वस्त कर दिया था। आंजनेय सिंह के एक्शंस का ही नतीजा था कि आजम खान को अपनी विधायकी तक खोनी पड़ी। रामपुर की जिस सीट पर आजम खान की नजर से सारे काम हो जाते थे, उन सीट पर आजम खान चुनाव हार गए। बीजेपी ने इस सीट पर अपना परचम लहरा दिया, लेकिन आंजनेय सिंह को अब उत्तर प्रदेश से विदा किया जा रहा है। कारण ये है कि आंजनेय सिंह के डिप्यूटेशन की अवधि समाप्त हो रही है। आंजनेय कुमार सिंह को 16 फरवरी 2015 को अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इंटर स्टेट डेपुटेशन पर सिक्किम से यूपी लाया गया था। 5 वर्ष के डेपुटेशन के बाद आंजनेय सिंह को 2 साल का एक्सटेंशन और मिला था। इसके बाद फरवरी 2022 में आंजनेय सिंह को 1 साल के लिए और सेवा विस्तार दिया गया। अब उनके सेवा विस्तार की अवधि खत्म हो रही है। डेपुटेशन के बाद आंजनेय सिंह वापस सिक्किम लौटने वाले हैं। अगर अतीत की बात करें तो अपने 5 साल का डेपुटेशन पूरा होने के 1 वर्ष पहले ही आंजनेय सिंह को रामपुर का कलेक्टर बनाया गया था। आंजनेय सिंह के एक्शंस का दौर ऐसा था कि उन्होंने आजम खान को भूमाफिया तक घोषित कर दिया था। तमाम अवैध जमीनों को आजम खान और उनके परिवार के कब्जे से निकलवाया। इसके बाद इन जमीनों के ऊपर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आंजनेय सिंह बाद में प्रमोट होकर मुरादाबाद के कमिश्नर बने। आंजनेय सिंह के ऊपर रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि वो चुनाव में धांधली करते हैं। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने यह तक कह डाला कि आजम खान की सीट पर आंजनेय सिंह के रहते चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि उस दौरान उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब इंटर स्टेट डेपुटेशन की अवधि खत्म होने के बाद आंजनेय सिंह को सिक्किम वापस भेजा जा रहा है। आंजनेय सिंह को सिक्किम भेजने से पहले मुरादाबाद में उनकी विदाई की ये तस्वीरें देखने लायक हैं। लोग उन्हें माला पहनाकर नम आंखों से विदा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आंजनेय सिंह एक तेज तर्रार और ईमानदार अफसर हैं। वो जनता का काम करते हैं और उन्हें इसी तरह से विदाई रामपुर का कलेक्टर होने पर भी दी गई थी। लेकिन आंजनेय सिंह को यूपी में रोकने के लिए योगी सरकार की भरसक कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आंजनेय सिंह को यूपी में 1 साल और रोकने के लिए योगी सरकार ने केंद्र को एक पत्र भेजा था। केंद्रीय नियुक्ति मंत्रालय के पास गए पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। कार्मिक मंत्रालय से जवाब ना मिलने की स्थिति में आंजनेय सिंह अब 2 महीने की ट्रांसफर लीव पर चले गए हैं। आंजनेय सिंह को कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। ट्रांसफर लीव खत्म होने के बाद वो अब सिक्किम काडर ज्वाइन करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में आजम खान का किला ध्वस्त करने वाला अफसर फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं नहीं देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार ने आंजनेय सिंह का इस्तेमाल किया और अब उन्हें साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी कहती है कि आंजनेय सिंह के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो एक रूटीन ट्रांसफर प्रोसेस का हिस्सा है। दोनों का सच क्या है ये तो अपने अपने दल ही जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आंजनेय सिंह को उनकी सेवा अवधि के उस कार्यकाल के रूप में जरूर याद किया जाएगा जब उन्होंने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के रामपुर में उनका सारा साम्राज्य ध्वस्त किया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।